जी तो दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ iFactioner.com के लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी एंड उर्दू वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में हम इंग्लिश सीखने के साथ साथ डिफरेंट हेल्दीएस्ट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के फवाइद यानि के बेनिफिट्स जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। क्या आपको पता है, सेब डिप्रेशन को रोकते हैं और परेशानी को कम करते हैं। इंग्लिश में एप्पल्स हेल्प प्रिवेंट डिप्रेशन एंड रिड्यूस एंजाइटी। अब देखिए, यहां पे हम स्टॉप्स भी लिख सकते थे, स्टॉप के रोकते हैं, लेकिन प्रिवेंट होता है जो शुरू होने से पहले ही रोक दिया जाए, ठीक है जी। और यहां पे इस ये एनजाइटी नहीं है, ये एनजाइटी है, ठीक है जी। एप्पल्स हेल्प प्रिवेंट डिप्रेशन एंड रिड्यूस एनजाइटी। मेरे साथ एक दफा रिपीट करें, एप्पल्स हेल्प प्रिवेंट डिप्रेशन एंड रिड्यूस एनजाइटी। क्या आपको पता है, एवोकाडोस बुरा कोलेस्ट्रॉल कम करती हैं और अच्छा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा करती हैं। तो एवोकाडो जो है एक तरह का फल है जो कि बहुत ही, आप समझ लें कि जिसका जायका चीज मक्खन की तरह का होता है, मीठा शीठा ये नहीं होता, इसको खाना मुश्किल होता है, लेकिन ये सेहत के लिए अच्छा होता है और इसके अंदर अच्छे फैट्स होते हैं, ठीक है। तो इसी चीज को अब हमने इंग्लिश में कहना है तो हम कहेंगे, एवोकाडोज रिड्यूस बैड कोलेस्ट्रॉल एंड रेज गुड कोलेस्ट्रॉल। एवोकाडोज रिड्यूस बैड कोलेस्ट्रॉल एंड रेज गुड कोलेस्ट्रॉल। तो मेरे साथ एक दफा रिपीट करें, एवोकाडोज रिड्यूस बैड कोलेस्ट्रॉल एंड रेज गुड कोलेस्ट्रॉल। क्या आपको पता है कि केले में शक्तिशाली यानी कि ताकतवर वायरल मुखालिफ गुण या खसूसियात होती हैं? इंग्लिश में बनानास हैव पावरफुल एंटी वायरल प्रॉपर्टीज। तो अगर तो आप बनाना वगैरह खाते हैं तो नजला जुकाम आपको कम होगा। बनानास हैव पावरफुल एंटीवायरल प्रॉपर्टीज। मेरे साथ एक दफा रिपीट करें, बनानास हैव पावरफुल एंटीवायरल प्रॉपर्टीज। एक होता है वायरस, एक से ज्यादा वायरल वायरसेस, और वायरस से रिलेटेड चीज को हम फिर वायरल कहते हैं, और उसका जो मुखालिफ होता है, उसका जो ऑपोजिट होता है, वो होता है एंटीवायरल। क्या आपको पता है कि नीले बेर खून में शक्कर का लेवल को कम नहीं होने देते? ये दिमागी काम और याददाश्त को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। तो अगर तो आप ब्लूबेरीज खाते हैं तो फिर, अगर आप एनीमिक हैं, खासतौर पर आप में खून की कमी है, तो ब्लूबेरीज बहुत अच्छी चीज है। अब इसी चीज को नीले बेर खून में शक्कर के लेवल को कम नहीं होने देती। इंग्लिश में कहते हैं, ब्लूबेरीज प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है जी, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे लो शुगर लेवल है, मेरा शुगर लेवल बहुत लो है, तो वो हाइपोग्लाइसीमिया होता है। ब्लूबेरीज प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया। एक दफा मेरे साथ रिपीट करें, ब्लूबेरीज प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया। ये दिमागी काम और याददाश्त को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। दे हेल्प इन इम्प्रूविंग ब्रेन फंक्शन एंड मेमोरी। दे हेल्प इन इम्प्रूविंग ब्रेन फंक्शन एंड मेमोरी।
ये जो साइन है ये एम्परसेंट का साइन है, तो जगह बचाने के लिए मैंने इसको यूज किया है, आप इसकी जगह एंड यूज कर सकते हैं। तो मेरे साथ एक दफा सेंटेंस को रिपीट करें। दे हेल्प इन इम्प्रूविंग ब्रेन फंक्शन एंड मेमोरी। गोभी जिस्म की चर्बी को कम करने में मदद करती है। अब ये हम बंद गोभी की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। बंद गोभी को हम कहते हैं कैबेज। कैबेज हेल्प्स रिड्यूस बॉडी फैट। तो अगर तो आपको पतला होना है तो गोभी खाएं। कैबेज हेल्प्स रिड्यूस बॉडी फैट। तो मेरे साथ एक दफा रिपीट करें। कैबेज हेल्प्स रिड्यूस बॉडी फैट। खरबूजा आपकी जिल्द के लिए अच्छा होता है। वो वाला खरबूजा जो अंदर से ऑरेंज होता है, ठीक है। एक खरबूजा जो है वो अंदर से सफेद होता है, वो भी अच्छा होता है, लेकिन जो ऑरेंज होता है वो खास तौर पे आपकी स्किन को ग्लो कराता है। तो उसको हम कहते हैं इंग्लिश में कैंटलॉप। कैंटलॉप इज गुड फॉर योर स्किन। कैंटलॉप इज गुड फॉर योर स्किन। तो मेरे साथ एक दफा रिपीट करें। कैंटलॉप इज गुड फॉर योर स्किन। अब आ गई फूल गोभी। फूल गोभी दमे और गुर्दे की खराबी में मदद देती है। अगर किसी को दमा हो या फिर गुर्दे की खराबी हो तो वो डॉक्टर के मशवरे के साथ कॉलीफ्लावर को यूज करे तो बेहतर होगा। तो जो फूल है उसको कहते हैं कॉलीफ्लावर, ठीक है। फ्लावर फूल मतलब। कॉलीफ्लावर हेल्प्स इन एस्थमा एंड किडनी डिसऑर्डर। कॉलीफ्लावर हेल्प्स इन एस्थमा एंड किडनी डिसऑर्डर। मेरे साथ एक दफा रिपीट करें। कॉलीफ्लावर हेल्प्स इन एस्थमा एंड किडनी डिसऑर्डर। यमी चेरीज। चेरीज दिल और दौराने खून के निजाम को मजबूत बनाती हैं। ये सोजिश को कम करती हैं, ठीक है जी। चेरीज स्ट्रेंथन द हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जो हमारे जिस्म में शरीर में खून दौड़ रहा होता है तो वो सर्कुलेशन होती है, ठीक है। और जो निजाम है उसका, उसको कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। चेरीज स्ट्रेंथन द हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो एक दफा मेरे साथ इस चीज को रिपीट करें। चेरीज स्ट्रेंथन द हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। दे रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन आपके मतलब अजीब खट्टे डकार आ रहे होते हैं या इस तरह की चीज होती है। दे रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। बोलें दे रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट आ गया हमारे पास सिट्रस। अब ये सिट्रस में हर चीज आ जाती है। नींबू आपका, लाइम आ गया, संतरे, मौसमियां, जो भी है इस तरह के फ्रूट्स वो सिट्रस कहलाते हैं। जो हट्टी फल होते हैं खासतौर पे, हट्टी फल बढ़ती उम्र के धब्बों को रोकते हैं, ठीक है। ओल्ड एज जिससे हम बूढ़े हो रहे होते हैं तो हमारे आंखों के धब्बे पड़ जाते हैं, गालों पे धब्बे पड़ जाते हैं, तो सिट्रस फ्रूट जो है उसको रोकता है। सिट्रस फ्रूट्स प्रिवेंट एज स्पॉट्स। सिट्रस फ्रूट्स प्रिवेंट एज स्पॉट्स। तो एक दफा मेरे साथ रिपीट करें। सिट्रस फ्रूट्स प्रिवेंट एज स्पॉट्स। अब आ गए हमारे पास करंट्स। और इसको मिहाल से हिंदी और उर्दू में मुवक्का कहते हैं। मुवक्का खून को साफ करता है और खून की कमी को कम करता है। तो जिन लोगों में खून की कमी होती है, एनीमिक होते हैं जो, उनके लिए
ये करंट्स बहुत बेहतर होते हैं। अब ये ब्लैक करंट्स भी हो सकते हैं, रेड कलर करंट्स भी हो सकते हैं, मेरे ख्याल से ऑरेंज भी होते हैं। तो इसी चीज को अब हम इंग्लिश में कहें, करंट्स प्योरीफाई द ब्लड एंड रिड्यूस एनीमिया। करंट्स प्योरीफाई द ब्लड, खून को साफ करते हैं, प्योर करते हैं, ठीक है, उससे प्योरीफाई निकला है, एंड रिड्यूस एनीमिया। तो इसी चीज को एक दफा मेरे साथ रिपीट करें, करंट्स प्योरीफाई द ब्लड एंड रिड्यूस एनीमिया। अब एक चीज होती है ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फल खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद देता है। ड्रैगन फ्रूट हेल्प्स इन लोवरिंग बैड कोलेस्ट्रॉल एंड रेजिंग गुड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का मसला होता है खासतौर पे, क्योंकि आगे जाके फिर अभी आपके दिल से, दिल को बहुत अफेक्ट करता है कोलेस्ट्रॉल, तो हमेशा अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखने की कोशिश करें। ड्रैगन फ्रूट हेल्प्स इन लोवरिंग बैड कोलेस्ट्रॉल एंड रेजिंग गुड कोलेस्ट्रॉल। इस चीज को मेरे साथ एक दफा रिपीट करें, ड्रैगन फ्रूट हेल्प्स इन लोवरिंग बैड कोलेस्ट्रॉल एंड रेजिंग गुड कोलेस्ट्रॉल। आगे आगे जी सौंफ। सौंफ सौंफ दर्द को और पट्टों के चढ़ने को कम करती है। जिन लोगों के पट्टे चढ़ जाते हैं या उनको दर्दें होती हैं, तो सौंफ जो है कुदरती तरीका है जो उसको कम करती है। इसको फेनल कहते हैं। फेनल सूदस पेन एंड रिलीव्स क्रैम्प्स। फेनल सूदस पेन एंड रिलीव्स क्रैम्प्स। मेरे साथ एक दफा रिपीट करें, फेनल सूदस पेन एंड रिलीव्स क्रैम्प्स। आगे आगे जी हमारे पास अंगूर। काले अंगूर भी हो सकते हैं, ग्रीन अंगूर भी हो सकते हैं। अंगूर सेहतमंद दिल को फरोख देते हैं और अल्जाइमर को रोकते हैं। अल्जाइमर जो है वो बुढ़ापे में आ जाता है, ओल्ड एज में खासतौर पे आ जाता है, जब हम चीजों को भूलना शुरू कर देते हैं। तो अंगूर उस रिसर्च ने साबित किया कि उसके लिए अच्छे होते हैं उसको रोकने के लिए। ग्रेप्स प्रमोट हेल्दी हार्ट एंड स्लो डाउन अल्जाइमर। ग्रेप्स प्रमोट हेल्दी हार्ट एंड स्लो डाउन अल्जाइमर। मेरे साथ एक दफा रिपीट करें, ग्रेप्स प्रमोट हेल्दी हार्ट एंड स्लो डाउन अल्जाइमर। आगे आ गया जी चकोतरा, जो खाने में तो बहुत बुरा होता है, लेकिन चकोतरा कोलेस्ट्रॉल घटाने में मदद देता है और इससे आपका वेट भी कम होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रेप फ्रूट। ग्रेप फ्रूट हेल्प्स इन लोवरिंग कोलेस्ट्रॉल। ग्रेप फ्रूट हेल्प्स इन लोवरिंग कोलेस्ट्रॉल। मेरे साथ एक दफा रिपीट करें, ग्रेप फ्रूट हेल्प्स इन लोवरिंग कोलेस्ट्रॉल। आगे आ गया जी कीवी। ये बाहर के देशों में, बाहर के मुल्कों में ज्यादा मिलता है। कीवी हाजमे में मदद देता है। इसका अजीब सा खट्टा सा जायका होता है, लेकिन अगर आपको खट्टी चीजें पसंद हो तो ये कीवी बहुत अच्छी चीज है। ठीक है जी, कीवी हेल्प्स इन डाइजेशन और इसमें मेरे ख्याल से पोटेशियम भी होती है। कीवी हेल्प्स इन डाइजेशन। मेरे साथ एक दफा रिपीट करें, कीवी हेल्प्स इन डाइजेशन। आगे आ गया जी नींबू। शिकंजी जिसकी बनती है, नींबू पानी बनता है। नींबू आपके जिगर को साफ करते हैं। लेमन्स क्लेंस योर लिवर। लेमन्स क्लेंस योर लिवर। लेमन्स क्लेंस योर लिवर।
रिपीट करें मेरे साथ, लेमन्स क्लींस योर लिवर। आगे आगे जी उनके बड़े भाई लाइम्स, मेरे हाल से इसको बड़ा नींबू कहते हैं, अब मुझे याद नहीं आ रहा इसको वैसे लाइम्स को क्या कहते हैं हिंदी और उर्दू में, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। बड़ा नींबू जो हरे कलर के होते हैं, जिस्म से जहरीले मादे को हटाता है। लाइम्स रिमूव टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी, लाइम्स रिमूव टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी। मेरे साथ एक दफा रिपीट करें, लाइम्स रिमूव टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी। अब ये जो टॉक्सिन है ये टॉक्सिक से निकले, ठीक है। नेक्स्ट आगे जी ऑरेंजेस, माल्टे जो हर कोई खाता है। अब माल्टा जो है उसमें विटामिन सी तो होती है, लेकिन माल्टा हड्डियों मतलब नज़ले जुकाम के लिए बेहतर होता है, लेकिन माल्टा हड्डियों और सांस के मसाइल में मदद देता है। इसी चीज को इंग्लिश में कहते हैं ऑरेंजेस हेल्प्स साइनस एंड रेस्पिरेटरी इशू, रेस्पायर से रेस्पिरेटरी, सांस से रिलेटेड इशू। ऑरेंजेस हेल्प्स साइनस एंड रेस्पिरेटरी इश्यूज, साइनस और रेस्पिरेटरी दोनों सांस के होते हैं, तो ये सॉरी ये हड्डियां नहीं होगा, ये सांस ही होगा। तो मेरे साथ एक दफा रिपीट करें, ऑरेंजेस हेल्प साइनस एंड रेस्पिरेटरी इश्यूज। नेक्स्ट आ गया जी पपीता, पपाया। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताते चलूं कि ये जो सुपर फूड्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये अच्छे हैं, लेकिन इन अगर आपको कोई मसला है तो फिर आप अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ इनको यूज करें। अब दवाएं यूज करें तो उनको ना छोड़ें, ठीक है। पपीता नज़ले जुकाम के खिलाफ मदद देता है। इंग्लिश में हम कहेंगे पपाया हेल्प्स अगेंस्ट कॉमन कोल्ड, पपाया हेल्प्स अगेंस्ट कॉमन कोल्ड। तो मेरे साथ एक दफा रिपीट करें, पपाया हेल्प्स अगेंस्ट कॉमन कोल्ड। आगे आगे जी नाशपाती, नाशपाती जिस्म से तापकारी जहर खारिज करने में मदद देती है। पियर कहते हैं नाशपाती को, और एक से ज्यादा नाशपातियां हो तो पियर्स। पियर हेल्प्स रिमूव रेडियो एक्टिव टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी, पियर हेल्प्स रिमूव रेडियो एक्टिव टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी। तो मेरे साथ एक दफा रिपीट करें, पियर हेल्प्स रिमूव रेडियो एक्टिव टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी। आगे आ गया जी पाइनएप्पल, अनानास। अनानास चर्बी जलाता है और पेट को कम करता है, तो अगर आपने डाइटिंग करनी है, पेट कम करना है, तो अनानास भी खाएं और पतले भी हो जाएं। इंग्लिश में इसको हम कहेंगे पाइनएप्पल बर्न्स फैट एंड टोन्स द स्टमक, यानी कि पेट को कम करता है, उसको शेप में लेके आता है, टोन करता है उसको, ठीक है। पाइनएप्पल बर्न्स फैट एंड टोन्स द स्टमक। मेरे साथ रिपीट करें, पाइनएप्पल बर्न्स फैट एंड टोन्स द स्टमक। आगे आगे जी आलू बुखारे, प्लम्स। आलू बुखारे परेशानी को कम करते हैं। आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, हर किसी को होता है, तो आलू बुखारे जरूर खाएं, अपनी डाइट में शामिल करें अगर तो आपको शुगर वगैरह नहीं है। प्लम्स रिड्यूस एंजाइटी, प्लम्स रिड्यूस एंजाइटी। मेरे साथ रिपीट करें, प्लम्स रिड्यूस एंजाइटी। आगे आगे पम्पकिन, मेरे हाल से बड़ा कद्दू जिसे कहते हैं, या पेठा कद्दू। पेठा हाई ब्लड प्रेशर को रोकता है,
पम्पकिन प्रिवेंट्स हाई ब्लड प्रेशर। अब जिस अमेरिका वगैरह में एक त्यौहार होता है हेलोवीन का, जिसमें वो पेटे को अंदर से निकाल के उसकी अजीबोगरीब शक्लें बनाते हैं, ठीक है। पम्पकिन प्रिवेंट्स हाई ब्लड प्रेशर, मेरे साथ रिपीट करें, पम्पकिन प्रिवेंट्स हाई ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट आ गई हमारे पास स्ट्रॉबेरी। यमी। अगर स्ट्रॉबेरी के वैसे तो बहुत ज्यादा फायदे हैं, लेकिन एक जो फायदा अजीबोगरीब से है वो है कि खाने के सोडे के साथ मिली स्ट्रॉबेरी दांतों को सफेद करती है, ठीक है। आप ट्राई करें, आपके दांत बिल्कुल व्हाइट हो जाएंगे। स्ट्रॉबेरी मिक्स्ड विद द बेकिंग सोडा वाइटन्स योर टीथ। स्ट्रॉबेरी मिक्स्ड विद बेकिंग सोडा वाइटन्स योर टीथ। मेरे साथ रिपीट करें, स्ट्रॉबेरी मिक्स्ड विद बेकिंग सोडा वाइटन्स योर टीथ। तो आप स्ट्रॉबेरी का कचूमर निकाल लें, उसको मैश करके बेकिंग सोडा उसमें ऐड कर लें, उसको अच्छी तरह मिक्स करके टूथब्रश से पेस्ट करें, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास हैं जी स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, जो कि रेडियो पे भी मिल रही होती है खासतौर पर हाल से सर्दियों में। तो शकरकंदी हाजमे के मसाइल में मदद देती है, इसके और भी फायदे हैं। स्वीट पोटैटो हेल्प्स इन डाइजेस्टिव इश्यूज। स्वीट पोटैटो हेल्प्स इन डाइजेस्टिव इश्यूज। मेरे साथ बोलें, स्वीट पोटैटो हेल्प्स इन डाइजेस्टिव इश्यूज। तो दोस्तों, अब मैं पूरा का पूरा लेसन सिर्फ इंग्लिश में रिपीट करूंगा, आप गौर से सुनिएगा ताकि आपकी इंग्लिश प्रोनंसिएशन और वोकैबुलरी बेहतर हो। हेल्दियस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब ये वेजिटेबल्स नहीं है, ये वेजिटेबल्स है, ठीक है जी। एप्पल्स। एप्पल्स हेल्प प्रिवेंट डिप्रेशन एंड रिड्यूस एंजाइटी। एवोकाडोज। एवोकाडोज रिड्यूस बैड कोलेस्ट्रॉल एंड रेज गुड कोलेस्ट्रॉल। बनानास। बनानास हैव पावरफुल एंटीवायरल प्रॉपर्टीज। ब्लूबेरीज। ब्लूबेरीज प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया। दे हेल्प इन इम्प्रूविंग ब्रेन फंक्शन एंड मेमोरी। कैबेज। कैबेज हेल्प्स रिड्यूस बॉडी फैट। कैंटलॉप। कैंटलॉप इज गुड फॉर योर स्किन। कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर हेल्प्स इन एस्थमा एंड किडनी डिसऑर्डर। चेरीज। चेरीज स्ट्रेंथन द हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। दे रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। सिट्रस। सिट्रस फ्रूट्स प्रिवेंट एज स्पॉट्स। करंट्स। करंट्स प्योरिफाई द ब्लड एंड रिड्यूस एनेमिया। ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट हेल्प्स इन लोवरिंग बैड कोलेस्ट्रॉल एंड रेजिंग गुड कोलेस्ट्रॉल। फेनल। फेनल सूथ्स पेन एंड रिलीव्स क्रैम्प्स। ग्रेप्स। ग्रेप्स प्रमोट हेल्दी हार्ट एंड स्लो डाउन अल्जाइमर। ग्रेपफ्रूट। ग्रेपफ्रूट हेल्प्स इन लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल।
कीवी कीवी हेल्प्स इन डाइजेशन लेमन लेमन्स क्लींस योर लिवर लाइम्स लाइम्स रिमूव टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी Oranges. Oranges helps sinus and respiratory issues. Papaya. Papaya helps against common cold. Pear. Pear helps remove radioactive toxins from the body. Pineapple. Pineapple burns fat and tones the stomach. Plums. Plums reduce anxiety. Pumpkin. Pumpkin prevents high blood pressure. Strawberry. Strawberry mixed with baking soda whitens your teeth. Sweet potato. Sweet potato या potato दोनों ठीक हैं. Sweet potato helps in digestive issues. तो guys and girls, thank you very much कि आपने मुझे इस tutorial के लिए join किया. अगर तो आपको ये tutorial पसंद आया हो तो please like का button जरूर press करें. मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर अभी आप नए हैं और ifactioner.com के ऊपर विजिट करें. वहां पर मजीद अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स हैं. मैं आपसे मिलूंगा एक और नए ट्यूटोरियल में. अंटिल देन टेक केयर कीप लर्निंग कीप एंजॉयिंग गुड डे.